तो कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जंग चालू थी। दोनों देश एक दूसरे को पूरी तरीके से मिटाना चाहते थे, लेकिन अब चारों तरफ अफवाह फैलने लगी कि सोवियत यूनियन ने बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हैं और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को वो अमेरिका के ऊपर गिराना चाहते हैं और इस न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से वो पूरी की अमेरिका की जनसंख्या को खत्म करना चाहते थे। इस बात से अमेरिका के सिटीजन्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए अब उन लोगों ने न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कई सारे लोगों ने जमीन के अंदर बंकर्स बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। उनका मानना था कि सोवियत यूनियन जब भी न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगी तब वो सब बंकर में जाकर अपने आप को सेफ रख पाएंगे। अब हमें यहाँ केल्विन नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जिसने कि अपने घर के अंदर बहुत ही बड़ा बंकर बनाकर रखा था। इस बंकर को केल्विन ने उसी हमले के दौरान यूज करने के लिए बनाया होता है जिसके अंदर दुनिया भर की सारे सर्वाइवल की चीजें मौजूद थी। ये सब केल्विन ने सिर्फ मुसीबत के समय अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए बनाया होता है। केल्विन की वाइफ जिसका नाम हेलेन था वो प्रेग्नेंट थी। इसी खुशी में केल्विन ने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को एक पार्टी के लिए बुलाया होता है। सभी लोग एक साथ जुटकर काफी मजे कर रहे थे, लेकिन तभी अमेरिकी प्रेसिडेंट सभी के सामने एक इंटरव्यू परफॉर्म करते हैं जिसमें कि वो सोवियत यूनियन के सैनिकों द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग प्लान्स के बारे में बताते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी उनका पलटवार जरूर देंगे। इस बात से केल्विन बहुत ज्यादा डर गया और वो इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही मतलब समझ रहा था कि सोवियत यूनियन जल्द से जल्द अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हैं। केल्विन तो काफी घबरा कर अपने सारे मेहमानों को घर से बाहर निकाल देता है। केल्विन तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका था अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस बंकर में लेकर जाने के लिए जहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब के इफेक्ट से एकदम सुरक्षित रहेंगे। अब अमेरिका के ऊपर से एक फाइटिंग एयर जेट हवा में उड़ रहा था। ये जेट तो सिर्फ अमेरिकी सैनिक का होता है जो कि डेली रूटीन फॉलो करने निकला था, पर अचानक उस जेट के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आने लगी जिसकी वजह होती है कि वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और शहर के ऊपर गिरने लगा। हालांकि अमेरिकी सैनिक जेट से बाहर निकल जाते हैं पर वो फाइटिंग जेट डायरेक्टली आकर केल्विन के घर पर ब्लास्ट हो चुका था। अब केल्विन ने जैसे ही अपने घर पे तबाही महसूस की तो वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बंकर के अंदर चला गया। केल्विन ने तो तुरंत ही बंकर के सारे दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उसे लग रहा था सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी है और अब दरवाजा बंद होने पर वहाँ कई सारे लॉक एक्टिवेट हो जाते हैं। केल्विन तो अब अपनी वाइफ हेलेन से कह रहा था कि अब इस दरवाजे को मैं मैन्युअली ओपन नहीं कर सकता, मैंने इन सारी चीजों को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि पूरे 20 साल बीतने के बाद ही ये डोर अपने आप ओपन होगा क्योंकि 20 साल के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब का सारा असर खत्म हो चुका होगा। इसका साफ साफ मतलब ये था कि केल्विन और हेलेन को इस बंकर में पूरे 20 साल गुजारने पड़ेंगे। अब अचानक थोड़ी देर के अंदर ही हेलेन को लेबर पेन होने लग जाता है, यानी कि वो अपने सबसे पहले बच्चों को जन्म देने वाली थी। केल्विन भी अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी में उसकी काफी मदद कर रहा होता है और अब कुछ समय बाद हेलेन एक काफी अच्छे बच्चे को जन्म देती है। केल्विन बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसका एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम उन दोनों ने मिलकर एडम रखा था और अब केल्विन और हेलेन दोनों मिलकर अपने बेटे एडम की परवरिश उसी बंकर में करने लगे थे। अब केल्विन उसी बंकर में अपने बेटे और वाइफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा था। धीरे धीरे एडम पूरे 8 साल का हो चुका था। केल्विन अपने बेटे को तरह तरह की गेम्स और चीजें सिखाता है जिससे कि वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सके। हेलेन केल्विन के साथ डांस किया करती और उसे अपने कल्चर के बारे में बताती। केल्विन का ये भरोसा होता है कि हम सभी के जाने के बाद हमारा बेटा एडम हमारी दुनिया में जाकर संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। केल्विन को अभी भी लग रहा था कि बंकर के बाहर न्यूक्लियर वॉर चालू हो चुकी है और जिससे कि इंसानियत खत्म हो चुकी थी। केल्विन, हेलेन और एडम बंकर के अंदर काफी सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर केल्विन ने खाने की सारी चीजें उपलब्ध करा कर रखी थी, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स की गेम्स, मछलियाँ पकड़ना, फुटबॉल से लेकर सारे गेम्स वहाँ मौजूद थे। केल्विन ने तो ये सारी चीजें बड़ी सोच समझकर बनाई थी क्योंकि उन्हें यहाँ पर पूरे 20 साल का समय गुजारना था और अब देखते ही देखते समय काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। यहाँ हमें उसी बंकर के जस्ट ऊपर दिखाया गया केल्विन के डिस्ट्रॉय हुए घर पर तो एक अनजान कंपनी वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट ओपन करने लगी। वहाँ पर तो कभी रेस्टोरेंट बनते हैं तो कभी नाइट बार्स, लेकिन इसके बारे में केल्विन और उसकी फैमिली को जो बंकर के अंदर मौजूद है उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब यहाँ एडम अपना 19वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। एडम ने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी बंकर में गुजारी है, इसीलिए उसकी हमेशा से चाह थी कि वो इस बंकर से बाहर निकलकर असली वाली दुनिया में जाए। केल्विन भी अपनी वाइफ और अपने बेटे को बोल रहा होता है कि बंकर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 साल का ही समय बचा है। अब वो समय भी काफी ज्यादा पास आ चुका था जब केल्विन और उसकी फैमिली पहली बार बंकर से बाहर निकलेंगे।
20 साल कंप्लीट होने पर ही वो बंकर का दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका था। लेकिन केल्विन कहता है कि मुझे सबसे पहले ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा कि रेडिएशन अभी भी मौजूद है कि नहीं। इसीलिए अब केल्विन पूरा सूट पहन लेता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। केल्विन का घर तो अब एक टूटे फूटे हुए नाइट क्लब के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, जहां पर कुछ शराबी एकदम बेहोश पड़े थे। एक आदमी तो केल्विन को इस तरीके से बाहर निकलता हुआ देखकर बेहोश हो गया। केल्विन तो अब बाहर की तरफ जाकर चेक करने लगा कि ये जगह अब हमारी रहने लायक है भी कि नहीं। केल्विन को तो इतने साल बाद वो पूरी जगह काफी ज्यादा बदली हुई दिखाई देती है। कुछ लोग तो वहाँ बंदूक लेके केल्विन के ऊपर फायर कर रहे थे, और वहीं केल्विन उन लोगों से भी मिला था जिनका ड्रेसिंग सेंस काफी बदल चुका होता है। केल्विन तो ये सारी चीजों से डर के मारे वापस अपने बंकर में आ चुका था। उसने अपनी वाइफ और बेटे को बताया कि बाहर की दुनिया में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मौजूद है और रेडिएशन का चारों तरफ कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन आसपास के लोगों का बिहेवियर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। केल्विन कहता है कि हमें ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन हेलेन केल्विन को समझा रही थी कि हमारा बेटा पूरी जिंदगी इस तरीके से बंकर में नहीं गुजार सकता, उसे तो पृथ्वी और नेचर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। ये सारी बातें करते हुए अचानक केल्विन को हार्ट अटैक आने लगा। केल्विन तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पूरे 20 साल होने के बाद उनके पास रखी गई खाने की सप्लाई भी खत्म होने आ गई थी, इसीलिए अब हेलेन अपने बेटे एडम को समझा रही होती है कि हमें बाहर जाकर कुछ खाने और दवाइयाँ लेकर आनी पड़ेंगी। हेलेन ने तो पूरी लिस्ट बनाकर एडम को दे दी थी जिससे कि वो सारे सामान जल्द से जल्द लेकर आ जाए। जाने से पहले केल्विन अपने बेटे एडम को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि तुम उस वीडियो गैलरी में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा रेडिएशन फैली है। अब एडम पहली बार बंकर से बाहर निकलकर असली दुनिया में कदम रखता है। ऊपर आने के बाद एक गरीब आदमी एडम को देखकर काफी ज्यादा डर रहा था। उसे लगता है कि जमीन के अंदर से कोई फरिश्ता आ चुका है। एडम तो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए बाहर की तरफ निकल चुका था। एडम तो पहली बार पूरी दुनिया की चीजों को देख रहा था, जो उसे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। एडम तो सामने आने वाली सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से देखकर खुश हो रहा था। कुछ लोग तो एडम की ये हरकतें देखकर उसे पागल समझ रहे होते हैं, लेकिन अब एडम इस दुनिया में पूरी तरीके से आजाद है और उसे अपनी जिंदगी जीने से कोई रोक नहीं सकता। एडम अपने फादर द्वारा बताई गई सारी चीजों को याद रखता है कि उसे अडल्ट वीडियो गैलरी से एकदम दूर रहना है, इसीलिए अब उस अडल्ट वीडियो गैलरी के पास आते ही वो दूर चला जाता है। एडम तो बस के अंदर भी बैठकर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी भाषा लोगों से काफी ज्यादा अलग होती है, इसीलिए आसपास के सभी लोग एडम को पागल ही समझ रहे थे। अब एडम अपनी मॉम द्वारा बताए गए सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में आ जाता है। उसने लिस्ट में मौजूद सारी की सारी चीजें पैक करवा दी थी। तभी एक एम्प्लॉई एडम से कहता है कि अगर आपका सामान ज्यादा है तो हम आपके घर पर डिलीवर भी करा सकते हैं। लेकिन एडम को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका बंकर है कहाँ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें देखने के कारण अपने वो बंकर का एड्रेस भूल चुका था। अब यहाँ कुछ और पैसे लेने के लिए वो एक दुकान में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड द्वारा दिए गए काफी सारे ओल्ड कार्ड्स बेच रहा था। दुकानदार ने जैसे ही उन बेसबॉल वाले कार्ड्स को देखा, तब पता चलता है कि ये तो यूनिक कार्ड्स हैं जिनकी मार्केट में कीमत पूरे $10,000 के ऊपर है। लेकिन वो दुकानदार तो सारे कार्ड्स के बदले $500 देने का ही डिसाइड करता है। पर उसी जगह पर काम करने वाली ईवी नाम की एक लेडी वहाँ आकर एडम को सब कुछ बताती है कि ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए एडम ने जल्द से जल्द अपने सारे कार्ड्स ले लिए। एडम ईवी के बिहेवियर और उसकी शक्ल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। हालांकि अब दुकानदार ने ईवी को उसके जॉब से निकाल दिया होता है, लेकिन एडम ईवी से पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चल सकती हो कि नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें अपने 2-3 एंटीक कार्ड्स दे दूंगा। ईवी भी अब एडम के साथ गाड़ी के अंदर बैठकर उसके साथ जाने लगी। ईवी ने तो उन यूनिक कार्ड्स में से सिर्फ एक ही कार्ड ले लिया था, जिसके बाद वो एडम को उसके होटल में छोड़कर वहाँ से चली गई। एडम जब इतने ऊंचे बिल्डिंग की खिड़की में जाकर देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। एडम तो सुबह ही उठकर बैठ गया क्योंकि उसे सनराइज देखनी थी। अब अगले दिन ईवी एडम के पास आकर उसके कार्ड्स वापस दे देती है, क्योंकि इतने छोटे काम के लिए वो इतने महंगे कार्ड्स नहीं ले सकती थी। ईवी जब जा रही होती है तो एडम उसे कन्विंस करने लगा कि तुम प्लीज मेरे लिए काम करो, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ और मैं तुम्हें हर महीने पे करूंगा। इसीलिए अब ईव एडम की मदद करने लगी अपने बंकर में काफी सारी चीजें लेकर जाने के लिए। एडम ने तो अपने फादर के उन सारे यूनिक कार्ड्स को बेच दिया जिससे कि उसे काफी सारे डॉलर्स मिले थे। एडम तो अपना काम काफी अच्छे से कर रहा था। अब एक दिन ईवी एडम को अपने एक दोस्त ट्रॉय के पास मिलाने के लिए लेकर जाती है।
ट्रॉय तो एडम को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि एडम छोटी टेक्नोलॉजी वाली चीजों को भी देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। ट्रॉय के पूछने पर एडम बहाना बना लेता है कि वो पिछड़े वाले गांव से बिलोंग करता है और वहाँ ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद एडम की मॉम हेलेन को काफी ज्यादा फिकर होने लगी थी, इसीलिए वो खुद बंकर के बाहर निकल कर चेक करने लग जाती है। लेकिन बंकर के ठीक ऊपर कुछ लोगों ने तो बहुत सारी कैंडल जलाकर पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल उन लोगों को लग रहा होता है कि इस जगह से फरिश्ते बाहर निकलते हैं, इसीलिए वो सब यहाँ पर एक चर्च बनाने का डिसाइड कर रहे थे। हेलेन तो इन सारी अनजान चीजों को देखकर वापस अपने बंकर में चली गई। अब यहाँ एडम बाकी समय ट्रॉय के साथ गुजारने लगा। ट्रॉय ने तो एडम को काफी सारे प्रोफेशनल कपड़े भी दिलवाए जिससे कि वो अच्छा दिख सके। साथ ही साथ ट्रॉय और ईव एडम को काफी अलग अलग टाइप की चीजें करवाते थे जो बहुत ज्यादा मजेदार होती हैं, जैसे कि स्केट बोटिंग करना, बीच के किनारे खड़ा रहकर मजा लेना और बेसबॉल की नियम पता करके उसे परफॉर्म करना। एडम ये सारी एडवेंचरस चीजें करने के बाद इतना ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया होता। और एडम को अब जाकर रियलाइज होता है कि उसके फादर बेसबॉल गेम को क्यों इतना पसंद किया करते थे। ट्रॉय तो अब ईव और एडम को एक नाइट क्लब में लेकर आता है जहाँ पर एडम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड चूज कर सके। यानी कि अभी से ही एडम के अंदर गुब्बारे फूटने लगे थे। एडम के पास एक लेडी आती है जो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। एडम भी उस लेडी से बात करने लगा था, लेकिन ईव पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, इसीलिए अब वो एडम का हाथ पकड़ के एक कोने में लेकर आ गई थी। ईव कह रही होती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एडम को एक अच्छी लड़की मिले। अब एडम को एक दूसरी लड़की ने डांस के लिए अप्रोच किया। एडम उसके साथ इतना अच्छा डांस करता है कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। दरअसल ये डांस एडम को उसकी मॉम हेलेन ने सिखाया था, पर ईव की जेलेसी तो खत्म ही नहीं होती। वो एडम से काफी ज्यादा नाराज होकर वहाँ से चली गई थी। ट्रॉय और ईव जब घर पर वापस आ जाते हैं तो ट्रॉय कह रहा था कि एडम भी गुस्से में वहाँ से चला गया था। ईव को एडम के लिए बहुत ज्यादा फिकर होने लगी, इसीलिए वो अपने कार के पास चली जाती है, लेकिन एडम तो वहीं पर मौजूद था जो कार की विंडो को ठोक रहा होता है। एडम अब ईव को लेकर वापस अपने घर में आ गया। यहाँ एडम ईव को समझा रहा होता है कि भले ही उसने कई सारी लड़कियों को देखा, लेकिन वो लगातार सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होता है। और अब एडम ने तो ईव को प्रपोज कर दिया था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और एक साथ हो जाते हैं। पर यहाँ एडम ईव के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए वो उसे सारी चीजें बता देता है। एडम ने उसे बता दिया था कि वो 20 साल से बंकर में मौजूद है और इतने सालों बाद वो पहली बार बाहर निकला है। ईव ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी और उसे लग रहा था कि एडम थोड़ा सा पागल हो चुका है, इसीलिए उसने जल्द से जल्द एडम को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन ट्रॉय एडम को कार चलाना सिखा रहा होता है जिससे कि वो अपना सारा सामान बंकर की तरफ लेकर जा सके। तब वो सारे लोग बंकर के एकदम टॉप पर बैठकर कैंडल जलाए हुए थे, जो कि इस पूरी जगह को एक फरिश्तों का घर मानते हैं। एडम जब वापस ईव से मिलने आया तब ईव ने अपने कुछ दो साइकेट्रिस्ट को बुला लिया होता है जो एडम की देखरेख करके उसके दिमागी संतुलन ठीक करेंगे, लेकिन एडम को ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। ईव तो चाहकर भी एडम की मदद नहीं कर पा रही थी। ईव और ट्रॉय यहाँ एडम के बारे में और पता लगाने के लिए उसके होटल में आ जाते हैं। वहाँ पर तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जो 90s के जमाने की थी, और अब इन सारी चीजों को अच्छे से देखने के बाद ट्रॉय और ईव को भरोसा होने लगा एडम की बातों पर। एडम तो अब किसी भी तरीके से वो सारी सप्लाइज लेकर मॉम एंड डैड के पास बंकर में आ जाता है। एडम ने अपने मॉम एंड डैड को बताया कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा अच्छी है। उसने कई सारी चीजें की और अपने फादर का फेवरेट गेम बेसबॉल भी खेला। एडम तो अपने मॉम एंड डैड को समझाने लगा कि आप सब उस दुनिया में जा सकते हो जो काफी ज्यादा सुंदर है, इसीलिए अब एडम पूरी तैयारी करने लगा अपने मॉम एंड डैड को बाहर लेकर जाने के लिए। लेकिन ईव और ट्रॉय लगातार एडम को ढूंढ रहे थे, जो कि वो उसे मिल भी जाता है पास ही वाले कंपनी के अंदर। एडम तो ईव को देखकर तुरंत ही किस कर लेता है और उसे अपने साथ बंकर में लेके आकर अपने मॉम एंड डैड से मिलवाता है। एडम की मॉम ईव को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और फिर बाद में उन दोनों को पता चला कि एडम ईव के साथ शादी करने वाला है। एडम के फादर तो अपने बेटे को कुछ अडल्ट वाली चीजें बता रहे थे जो उसके लिए आगे चलकर काम में आएंगी। और अब अगले दिन एडम ईव और ट्रॉय के साथ मिलकर बंकर के ठीक ऊपर एक ऐसा घर बनाते हैं जो कि हूबहू शुरुआत में उसके मॉम एंड डैड का हुआ करता था। और अब पूरे 20 सालों बाद एडम अपने मॉम एंड डैड को बाहर निकालता है, जो आसपास के नेचर और चीजें देखकर एकदम शॉक हो गए थे। एडम के मॉम एंड डैड बड़े मजे से उस घर में रहने लगे और सारी चीजों को एंजॉय करने लगे। एडम ने तो अपने फादर को यहाँ बता
बता दिया था कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर हुई नहीं थी। हमारे घर के ऊपर प्लेन क्रैश होने की वजह से आप समझ चुके थे कि ये न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत है, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन केल्विन यहाँ एडम की बातों पर विश्वास ही नहीं करता और आने वाले टाइम के लिए एक दूसरा बंकर बनाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरीके की मजेदार कहानियां चैनल पर अपलोड होने वाली हैं, तो जल्द से जल्द हमारी फैमिली से जुड़ जाइए।